आज का अपना टॉपिक है ध्रुवीय मध्य समक्षेत्र प्रक्षेप। समक्षेत्र प्रक्षेपों का निर्माण लैम्बर्ट जे एच लैम्बर्ट ने किया था। तो उदाहरण है 8, उत्तरी गोलार्ध को दर्शाने के लिए ध्रुवीय मध्य समक्षेत्र प्रक्षेप की रचना करो, जिसमें मापनी 1:15 करोड़ और अंतराल 30 डिग्री दिया हो। तो हमने क्या है, ध्रुवीय मध्य समक्षेत्र यानी कि क्षेत्रफल में शुद्धता होनी चाहिए, आकृति और दिशा के अंदर अगर इसमें क्या है त्रुटियां हो ही जाती हैं। तो अब हल करते हैं इसका। पृथ्वी के लघुगर्त गोले का अर्धव्यास यानी कि त्रिज्या आर, पृथ्वी का वास्तविक अर्धव्यास बटा निरूपक भिन्न का हर। वास्तविक अर्धव्यास कितना है 64 करोड़, बटा निरूपक भिन्न का हर कितना है 15 करोड़। आपस में काटा इसे तो आंसर हमें प्राप्त हुआ है 4.26 सेमी। अब इसका कच्चा चित्र इसका तैयार होगा प्रक्षेप बनाने के लिए। तो पहले है 4.26 यानी कि 2 और 3 के बीच में इतनी दूरी पर आपने एक सरल रेखा खींच लेनी है और इतना प्रकार में भरकर ये प्रकार में दूरी आपने भर लेनी है इस प्रकार। चार पॉइंट दो छह की दूरी प्रकार में आपने भरकर एक वृत्त का चतुर्थांश इसे बना देना है इस प्रकार। तो एक वृत्त का चौथा हिस्से आपने बना देना है। अब यहां पर 90 डिग्री का मान प्राप्त करके आप इसे चतुर्थांश का रूप दे देंगे। तो यहाँ पर ये 90 डिग्री पर बिंदु लगाया और यहाँ से एक रेखा इस तरफ यहाँ मिलाती। तो ये वृत्त का आप देख रहे हैं चौथा हिस्सा पूर्ण वृत्त यहाँ तक होता है। तो इतना कम करके आपने यहाँ से अंतराल कितना था तो इसी के ऊपर आपने इसी पर ही आपने ये आपने 90 डिग्री पर बिंदु लगाया। इसके बाद में आपने यहाँ अंतराल दिया गया है 30 डिग्री, तो 60, 30 और 0 इस तरफ लगा ही है। ठीक है, तो आप को ये बिंदु प्राप्त होने पर इस केंद्र से आप इन बिंदुओं की ओर इस वृत्त के अंदर की तरफ ही रेखा खींचोगे, बाहर नहीं जाने देना इसे। ठीक है, यहाँ पर इसे रोक देंगे। समक्षेत्र प्रक्षेप बनाना है तो आपने यहाँ से इसे मिलाना है, यहाँ से ही इसे और यहां से ही इसे मिलाना है। यानी कि आपने 90 से 60 को, 90 से 30 को और 90 से 0 को एक सरल रेखा खींचकर मिला देना है। अब आपने इनकी ये दूरियां प्रकार में भरनी है इस प्रकार। सबसे बड़े वाला चाप पहले भर लेते हैं। चलो ये दूरी भरी और आपने इसे घुमा देना, यानी कि मैं इसके लिए इस चार्ट शीट को घुमा देता हूँ। इसके बाद में आपने दूसरा माप ये रखना है 30 डिग्री वाला और यहाँ तक दूरी माप लेनी है और फिर इसे भी प्रकार में रखकर इस दूरी को भी क्या है घुमा देना है। ये दूरी भी आप घुमा दोगे। इसके बाद में आपने
सबसे छोटी दूरी जो है वो अपनी है ये, यहाँ से 60 डिग्री से, 60 डिग्री से नब्बे के बीच की जो दूरी है वो आपने ले लेनी है, और यहाँ रख के इसे भी आप घुमा लीजिए। तो ये आपको अक्षांश रेखाएं प्राप्त हो गई हैं। अब हमें देशांतर रेखा प्राप्त करने के लिए पहले तो ऊपर से नीचे की तरफ एक सरल रेखा खींच देनी है, वही कार्य है जो इसे पहले प्रक्षेप में किया था, ऊपर से नीचे तक होते हुए एक रेखा खींच देनी है जो इस केंद्र से होकर गुजरे। अब इस पर यही गोल भी यानी कि वृत्ताकार चांदा आपने इस पे रख देना है। अब यहाँ से अंतराल देखिए कितना है, अंतराल इसमें दिया गया है क्वेश्चन के अंदर, तो ये है 30 डिग्री, ये आपने 30 डिग्री अंतराल दिया गया है उसमें, तो 30 फिर 60 फिर 90, 120, 150, 180 का निशान लगा हुआ है, फिर इस तरफ से भी 30, 60, 90, 120, 150, ठीक है। इस प्रकार से आपने मानना ही है कि 30 30 डिग्री के अंतराल पे निशान लगाने, आप कैसे भी लगा सकते हो, ठीक है, 30 डिग्री अंतराल पे आपने निशान जो है लगा देने हैं। अब आपने इन बिंदुओं को इन अक्षांशों के ऊपर से होते हुए यहाँ से आपस में मिलाना है, लेकिन ध्यान रहे ये अपना केंद्र बिंदु और ये सरल रेखा इस वृत्त के बीच में ही रहे। फिर से इस प्रकार इसके बाद में यहां से इसे और फिर ये अंतिम यहां से, तो अब देखिए आपका ये बिल्कुल प्रक्षेप तैयार हो गया, ध्रुव एक है मध्य समक्षेत्र प्रक्षेप। इसमें सभी अक्षांशों के बीच की दूरी जो है वो यहाँ आपस में दूर है, फिर नजदीक है, और फिर और नजदीक, यानी कि जैसे जैसे हम भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर बढ़ते हैं तो दूरियां भी बढ़ती जाती है अक्षांश रेखाओं के बीच में। और इसमें जो देशांतर रेखाएं हैं वो एक सरल रेखा के रूप में एक केंद्र से यानी कि विकिरण के रूप में जो है बिल्कुल सरल रेखाओं के रूप में बाहर की ओर जाती है, मतलब केंद्र से बाहर की ओर जाती है। यहाँ पर अपन लिखते हैं 0 इस तरफ, 30, 60, 90, 120, 150, 180, 30, 60, 90, 120, 150, 180, तो ये अपना वेस्ट साइड और ये अपना ईस्ट साइड हो गया है, प्रोजेक्शन कंप्लीट। यहाँ पर आप इसकी दूरी लिख सकते हो, इसकी ये जो दूरी थी 4.26 सेमी, ठीक है, इतना आप इस पे लिख सकते हो। तो इसे ए ओ बी नाम दे सकते हो, इसे सी डी नाम भी दे सकते हो। थैंक यू।